Hi everyone, welcome to Bima New IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To The Point. एक ऐसी सीरीज जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं बहुत प्रिसाइज तरीके से, बहुत टू द पॉइंट तरीके से फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और साथ में ये भी देखते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या सवाल जो है वो बन सकता है. एंड दिस होल थिंग इज पॉसिबल ड्यू टू अभिमन्यु IAS. अभिमन्यु IAS इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर योर UPSC एंड वेरियस PCS examinations. इट हैज़ मोर देन 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999. And जो आज का हमारा टॉपिक है ये कल्चर का टॉपिक है. देर इज दिस ट्रेडिशनल थिएटर प्ले ऑफ मणिपुर जिसको शुमंग लीला के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में है. तो इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ये था कि एक बहुत ही जाने माने जो इसके स्टार थे जो इस थिएटर जो प्ले को प्रिपेयर करते थे, ही पास्ड अवे रिसेंटली. तो उसके बाद में थोड़ा सा ये जो आर्ट है ये न्यूज़ में आई है. एंड उसके बाद में देर इज पॉसिबिलिटी कि इसको जो है UPSC टच करे किसी ना किसी फॉर्म में और आपको जो है इसका सवाल देखने को इस साल जो है वो मिल सकता है. चलिए शुरू करते हैं टॉपिक. शुमंग लीला विच लिटरली मीन्स ओपन कोर्टयार्ड, एंड शुमंग लिटरली मीन्स ओपन कोर्टयार्ड एंड लीला मीन्स टू प्ले एन एक्ट. द लिटरल मीनिंग ऑफ द शुमंग लीला इज प्ले ऑफ द ओपन कोर्टयार्ड. शुमंग लीला इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर इन मणिपुर. देखिए एक तो सवाल जो है आपको सीधा जो बन सकता है वो तो यहीं से बनेगा कि किस रीजन के साथ एसोसिएटेड है. सो इनकेस आप खुद मणिपुर से हो तो आपके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टफ हो जाता है इस टाइप का सवाल, है ना, क्योंकि आप इसको स्टैटिक में तो पढ़ते ही नहीं हो. अगर आप हिस्ट्री एंड कल्चर भी पढ़ रहे हैं या कहीं से और से भी पढ़ रहे हैं तो इस टाइप की चीज़ आपके सामने नहीं आती है या इग्नोर हो जाती है. अगर आपने पढ़ भी लिया कहीं पर इसको, इट इज़ हार्ड टू रिटेन, राइट. कुछ खास बात है इस प्ले की वो देखते हैं कि जिसकी वजह से ये प्ले फेमस है. In this play, the roles of women are all played by men called Nupi Shabis. I may be pronouncing them wrong, but आपने भी तो वहाँ पे लिखा हुआ पढ़ना है तो आपके लिए तो सही है. In this play, the roles of women are all played by men called Nupi Shabis. In case of women's theatre group, the roles of men are played by women. We also have this beautiful picture here, which describes कि यहाँ पे a female is doing a role of a male. है ना, चलिए आगे चलते हैं. आज की डेट में शुमंग लीला इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन, इट्स कॉल्ड नूपा शुमंग लीला परफॉर्म्ड ओनली बाय मेन, एंड वी हैव नूपी शुमंग लीला परफॉर्म्ड ओनली बाय विमेन, है ना. तो ये देखो क्यों मैं इसको बहुत स्लोली आपको बता रहा हूँ, बहुत आराम से बता रहा हूँ कि ये किसी भी फॉर्म में आपको सवाल घुमा के इधर उधर से आ सकता है, किसी भी टाइप में. कि ये दो टर्म्स दे दिए तो उसमें पूछ सकते हैं कि ये कौन से में है, या ऐसा कौन सा प्ले है कि जहाँ पे एक्सक्लूसिवली वीमेन के रोल मेन प्ले करते हैं, मेन के रोल वीमेन प्ले करते हैं, है ना, कौन सी आर्ट है इनमें से. तो किसी भी फॉर्म में ही आ सकता है, तो आप बस इसको पूरी तरह ऊपर ऊपर से समझ लो कि हो क्या रहा है वहाँ पे. चलिए आगे चलते हैं. शुमंग लीला स्टार्टेड एज अ कॉमिक जॉनर प्रेजेंटेड बिफोर द किंग्स एंड नोबल मैन विच अल्टीमेटली डेवलप्ड इनटू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कोर्टयार्ड इनएक्टेड प्ले. तो ये उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि ये पहले जो है कॉमिक जॉनर में आता था ये, और किंग्स एंड नोबल मैन जो है उनके कोर्ट उनको प्रेजेंट किया जाता था, उनके सामने परफॉर्म किया जाता था, और अभी ये अल्टीमेटली उसी का एक फॉर्म है जो कि अब कोर्टयार्ड इनएक्टेड प्ले बन चुका है. मूविंग फॉरवर्ड, शुमंग लीला ग्रुप्स ऑफ दोज डेज अटेम्प्टेड टू प्रिजर्व एंड प्रमोट ह्यूमनिज्म, टॉलरेंस, कॉन्फिडेंस, डिवोशन, ट्रूथ एंड जस्टिस थ्रू देयर परफॉर्मेंसेज. तो बेसिकली सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए वो जिस तरीके से देखते हैं, अल्टीमेटली आर्ट तो कहते हैं ना, आर्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उसके बाद वो डायरेक्शन भी बताते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन में पता लग रहा है कि गड़बड़ है तो किस डायरेक्शन में लेके जाना है. तो इस यही नहीं, इस टाइप का और भी आप जितने भी देखेंगे जातक जातक प्लेस जो होते हैं कुछ भी देखेंगे आपको सिमिलर सा उसमें थीम देखने को मिलता है कि इसके अंदर आप ह्यूमनिज्म को प्रमोट कर रहे हो, टॉलरेंस, कॉन्फिडेंस, बेसिकली जो वर्च्यूज एक सोसाइटी के अंदर होती है, जस्टिस, तो उन सबको प्रमोट किया जाता है. शुमंग लीला हैज टुडे डेवलप्ड बोथ थिएट्रिकली एंड आर्टिस्टिकली. नेक्स्ट इज, शुमंग लीला हैज बिकम अ पावरफुल मीडियम फॉर मास एजुकेशन बिसाइड्स गिविंग एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन. और वैसे भी अगर आपने मासेस को एजुकेट करना है तो आप बिना एंटरटेनमेंट के नहीं कर सकते हो.
राइट, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यही हम क्लास में भी कई बार जब ये टॉपिक हमने क्लास में पढ़ा तब भी डिस्कस किया था कि वाई सच काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और क्यों यूपीएससी इसको पूछता है. मतलब अगर आप अभी किसी को कुछ समझाना चाहोगे है ना कोई सही चीज़, तो नहीं सुनते हैं लोग. इनफैक्ट आप भी नहीं सुनोगे किसी की, राइट. लेकिन सच काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट को और इस टाइप की चीज़ को थोड़ा सा कॉग्निटिव ईज में ले आते हो पब्लिक को, तो इट इज़ वेरी इजी टू गिव एनी मैसेज. तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और किस एरिया में किस टाइप का एक्ट इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का प्ले इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का मीडियम से काम होता है, कई जगह म्यूजिक डांस या कुछ भी, तो उस हिसाब से यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज कि आपने जो भी मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना है. तो दैट इज वाई. सो अगेन टू द पॉइंट के अंदर हम इसको ढंग से डिस्कस नहीं कर पाएंगे. देर इज दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, इट इज फॉर बोथ प्री एंड मेंस, जो आपको सोचना ही सिखा देता है करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में. हर एक सब्जेक्ट का आपको करंट कॉन्टेक्स्ट आपको साथ साथ मिलता रहता है. एंड दिस कोर्स विच ऑलरेडी गोइंग ऑन और ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्मेट दोनों में है. यू कैन साइन अप फॉर इट, यू गेट अ 7 days फ्री ट्रायल फॉर द कोर्स, राइट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट. 3-pronged स्ट्रेटेजी है इस कोर्स की. नंबर 1, यू गेट वीकली PDFs जो कि आपके डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर पिछले हफ्ते का जो है एक क्यूरेटेड फॉर्म के अंदर आपको करंट अफेयर जो है उसका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हो जाता है, जिसके अंदर आपकी स्टैटिक पार्ट की जो है रिसर्च है वो भी ऑलरेडी डन होती है उसके अंदर. एंड यू कैन बी एश्योर्ड ऑन दैट कि यार वंस यू डू दिस पर्टिकुलर PDF आपका ऑलमोस्ट जितना भी न्यूज़पेपर चल रहे हैं उनका सबका कंटेंट आपका कवर हो गया, जितना भी रेलिवेंट कंटेंट है अलॉन्ग विद रिसर्च एंड प्रिसीजन के साथ में द PDF यू गेट, और आपका जो है वो वाला काम डन हो जाता है. नंबर 2, यू गेट अ क्लास, बेसिकली 2 classes एवरी सैटरडे एंड एवरी मंडे. 2 classes आपको मिलती हैं जिसके अंदर अगेन हम प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स को जो है देखते हैं, डिस्कस करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, क्लास में डिस्कशन होती है प्रॉपर उसकी, एंड आपको सोचना आ जाता है करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर. नंबर 3, यू गेट वीकली टेस्ट एज वेल. ये भी आपके डैशबोर्ड के ऊपर जो है आपको वीकली टेस्ट जो है आपको मिल जाएंगे. और इन तीनों के बाद आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ है जो आपको करंट अफेयर के अंदर जो है तंग कर पाएगी. आफ्टर दिस कोर्स अगर करंट अफेयर का सवाल UPSC के अंदर आता है तो यू विल बी एबल टू डू इट, अदरवाइज वो छोड़ने वाला सवाल ही होगा. चलिए आगे चलते हैं. यू गेट अ 7 days फ्री ट्रायल है ना, आप जरूर उसको चेकआउट कीजिए एक बार. चलिए आगे देखते हैं कि और ये क्या कर रहा है. इट हैज ऑल्सो बीन ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप अमंग वेरियस कम्युनिटीज इन द स्टेट. वी नो दैट नॉर्थ ईस्ट की जो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज जो सब ग्रुप्स हैं वहाँ पे, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनका आपस में भी इशू है एंड उनका सरकार के साथ भी इशू रहता है, राइट. स्टेट गवर्नमेंट के साथ अलग इशू है, सेंटर का अलग इशू है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स एक पिक्चर बन के आती है नॉर्थ ईस्ट की. तो अगेन सच काइंड ऑफ थिंग एक इस टाइप की आर्टिस्टिक चीज़ उसको खत्म करने में बहुत ज़्यादा जो है आपका रोल प्ले कर सकती है, बहुत हेल्पफुल हो सकती है. इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोसेस. इट हैज बीन ट्राइंग टू फोकस ऑन द इशू ऑफ मॉरल वैल्यूज, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, राइट. अगेन वर्च्यूज ऑफ द सोसाइटी. यू मे पॉज द वीडियो राइट नाउ और आप इस सवाल को एक बारी खुद से अटेम्प्ट कीजिए. हालांकि ये बहुत ज्यादा सिंपल सवाल लगेगा आपको अभी, बट अगर किसी को नहीं पता कि शुमंग लीला क्या है और नहीं इसको कहीं पढ़ा या सुना इसके बारे में, देन ये सवाल अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता. वाई, एक बार इसके ऑप्शंस देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन शुमंग लीला. कोई और कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है सवाल में, इतना ही है. इट इज़ ए डांस आर्ट ऑफ नागा ट्राइब. इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर इन मणिपुर. इट इज़ अ क्लासिकल म्यूजिक आर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. इट इज़ अ क्लोज्ड सेरेमनी इन लद्दाख रीजन. सो हमें तो वी नो द आंसर कि मणिपुर का ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर है ये, बट अदरवाइज इस टाइप के सवाल में जो है आप गैस वर्क या एलिमिनेशन या जो भी आपको मिस इन्फॉर्म टेक्निक्स पता है तो वो आप इसके अंदर नहीं लगा सकते हो. तो दैट इज़ वाई ये जो क्लास है या ये जो वीडियो है और जो करंट अफेयर्स की क्लास है, इट बिकम्स हाईली रेलिवेंट, क्योंकि इस टाइप की चीज़ को चुन के निकाला जाता है और इसके ऊपर एडिक्वेट टाइम स्पेंड किया जाता है कि यार आपको याद भी हो जाए और टाइम वेस्ट भी ना हो. अगर छोटा टॉपिक है तो हार्डली लाइक 2-3 minutes के अंदर खत्म हो जाता है. थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो थोड़ी डिस्कशन की आप कैसे करंट कॉन्टेक्स्ट में भी उसको लेके जा सकते हो. सो आप 1-2 classes लगा सकते हैं. लिंक इज डाउन देयर, आप जाइए उसको, आप कुछ क्लासेज में आइए, थोड़ा चेकआउट द क्वालिटी फॉर योर सेल्फ एंड देन जज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड यू आर वॉचिंग अभिमन्यु IAS.